ये देखो दूध से लेके अपना जन्म से लेके मतलब एक साल तक क्या होता है, चार पेयर होते हैं, आठ दांत है ना, गिन रहे हो आप, देख रहे हो ना, हाँ चार इस साइड है, चार इस साइड है, इसको खीरा बच्चा दूध वाले दांत बोल सकते हैं हम। एक साल तक मतलब ऐसे ही रखेगा, 12-14 मंथ तक ये ऐसे ही रहता है, और जब दो दांत हो जाएगा, दो ये देखो कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा, जे होते हैं दूध वाले दांत, खीरा बच्चा बोल देते हैं, अदंत भी बोल देते हैं, वर्डिंग में आपने सुना होगा अदंत खीरा दूध वाले दांत, जो होते हैं जन्म से लेके ऐसे रखता है बच्चा, बिल्कुल बारीक छोटे बाल सॉरी जो होते हैं अपने दांत इसके, चार पेयर है ना, आठ दांत, इसकी एज तो सर होगी 6 मंथ, 6 मंथ से ऊपर है, और 6 मंथ कितने का हो जाता है, हाँ जी दो दांत का सर, 1 साल का, 1 साल 14 मंथ का, टूट जाएंगे दांत जी इसमें सर, टूटेंगे क्या, जो बीच वाले जो बड़े दांत है सेंटर वाले जो टूट जाएंगे, इनकी जगह पे क्या परमानेंट मोटे दांत आ जाते हैं, वो दिखाऊंगा पठिया के हैं। ये सारे दांत है कितने जी, आठ दांत होते हैं सर, चार पेयर होते हैं, पहले भाई एक दोनों इकट्ठे भी टूट सकते हैं, एक एक करके भी टूट सकते हैं, जी देखो जे होते हैं दूध वाले, जन्म से बच्चे के पहले तो निकलते हैं जे दांत, ठीक है बारीक होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, 1 साल का हो गया 12 मंथ का बच्चा, तो भैया सेंटर वाले ये बड़े दांत हैं, ये टूट जाएंगे, एक एक करके भी टूट सकते हैं, इकट्ठे भी टूट सकते हैं, 12-14 मंथ का हो गया, फिर इनकी जगह पे परमानेंट एक पेयर आ जाएगा जोड़ा दांतों का, वो दिखने में चौड़े होंगे, बता देता हूँ, ये देखो साइड में तो वो तीन तीन पड़े हैं, और सेंटर में देखो आप, दो बड़े है, दो बड़े आगे जो परमानेंट है, जो रहेंगे पूरी उम्र तक, ये देखो जो साइड में तो तीन तीन पड़े हैं 6 दांत, और सेंटर में टूट के एक पेयर आ गया, बाद में दूसरे भी टूटेंगे, हाँ जी साइड वाले, ऐसे ही उम्र बढ़ती रहेगी तो साइड वाले टूटते रहेंगे, नए आते रहेंगे, ये देखो ठीक है जी, ये तीन पेयर पड़े हैं ना 6 दांत साइड पे, ये कितने एज की है, 1 साल की होगी जी, ये कई बार क्या होता है कि बच्चे को अगर खुराक की कमी रह जाए, शुरू में दूध की कमी रह जाए, जब कोई और मिनरल की विटामिन की, तो 10 या 11 मंथ की एज में भी पहले भी बच्चा क्या है कि दांत गिरा देता है। चार दांत का भी बताएंगे, ये देखो ये आ गई 4 दांत की, इसकी सर एक डिलीवरी ले चुके हैं हम, इसने फर्स्ट डिलीवरी पे हमें एक पठिया दी, जो 2 दांत के बाद क्रॉस करवा दी थी हमने। 4 दांत कितने एज की होती है, 4 दांत हो जाती है सर 1.5 साल की बकरी, या 1.5 साल से ऊपर भी हो सकती है, ये देखो पेयर आ गए ना 2, 4 दांत, 2-2 साइड में रह गए इसके दांत दूध वाले, जब 4 हो गया अब कितनी एज है इसकी, 1.5 साल के करीब है जी, बच्चा ठीक है जी, तो इसके बाद 6 दांत की भी आ गई, ये थोड़ी बड़ी फीमेल क्रॉस करवाई थी हमने, अभी जो 1-1.5 मंथ की क्रॉस है जी, इसके देखो 3 पेयर आ गए, हाँ एक रह गया वो आ जाएगा, वैसे ये 2 साल की, हाँ जी 2 साल की, नहीं नहीं ये 1.5 साल से ऊपर है, 2 की पूरी हुई नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा जल्दी निकाल देते हैं, जाते हैं कोई 2-3 मंथ ऐसे पहले टूट जाते हैं कभी, या कोई 6 हो गए ना इसके, हां हां तो वो 8 अब पूरे दांत की बकरी भी दिखा देते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना कि बता कि कुछ कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं कि जो पहले दांत गिरा जाती हैं, जहाँ कोई ऐसे दांत थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं तो कोई अच्छी या बाहर चले जाते तो कोई लकड़ी को चबा दिया तो उसके कारण दांत टूट जाते हैं, और कई बार 1.5 साल में शिग्गा भी हो जाता है,
छिग्गा किसको बोलेंगे? छह दांत आ गए। और दे देखो ये पूरे दांत हो गई, ये तो छिग्गी है, ये तो छिग्गी है पूरे दांत वाली। एक वो भी लिया जो बड़ी उम्र की है, ये कसाई बड़ी। ये देखो सर ये बकरी सैकड़ ब्यांत पे है, ये दूसरी ब्यांत की बकरी है, इसके पूरे दांत है। दांत देखो जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो अपना जानवर है बिल्कुल जवान है। पूरे पेयर है, ऊपर से घिसे नहीं होने चाहिए दांत। क्या है कि ऐसे आप दबाओगे घिसे नहीं होने चाहिए, ठीक है? सब होने चाहिए, हाँ खिलने नहीं चाहिए, ठीक है? कमजोर नहीं होने चाहिए, ऐसे दबाओगे आप अंदर की और अंदर बाहर की ओर। वही आठ ही रहेंगे जो दूध वाले हैं, बाद में एक एक पेयर में सो के परमानेंट दांत आता रहता है। लास्ट में सही होगी जी, लास्ट में सही रही। हाँ जी लास्ट में देखो पूरे देखो बड़े दांत। देखो बाहर जाते हो ना आप मार्केट में तो ये चीज आपने चेक करनी है, पूरे दांत हो और यहाँ से आपने दबा के जरूर देखने हैं। ऊपर से ज्यादा घिसे नहीं होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए दांतों के बीच में। अगर गैप होगा तो ये समझ लेना कि वो कभी भी टूट सकते हैं। जो ऊपर से घिसे होंगे दांत, ये देखो ये जब से हमने फार्म किया सबकी बकरी है अपने पास, 6 साल पुरानी है। हाँ जी, हाँ जी। और आज इसके दांत देखो कितने घिस चुके हैं ना, दे देखो। इससे ओवरेज बकरी का पता चलता है। बाजार में कई बार ऊपर चमक दमक देख के आप बकरी खरीद लो तो आपके साथ धोखा हो। ये बकरी है मतलब छेमी ब्यांत पे, और दांत देखो इसके घिस चुके हैं। घिसेंगे ऐसे हिलाओगे तो ये हिलने भी शुरू हो जाते हैं।